राजस्थान के अंदर सचिन पायलट एक एकमात्र ऐसे नेता जो 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवा सकते हैं। रंधावा जी बयान दे रहे हैं कि पायलट साहब का आंकड़ा गलत है, क्या रंधावा जी का वोट लगता है यहाँ पर? गहलोत साहब राजस्थान में 19 नहीं 100 जिले बना दें, लेकिन फिर भी वोट सचिन पायलट के चेहरे पर मिलेंगे। आज कर दे सरकार, हाईकमान कर दे, ये कर दे, कोई भी चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम साथ हैं और पूरी पब्लिक साथ है और साथ और जायज साथ है। कांग्रेस में आला कमान नाम में कोई चीज नहीं रह गई है। क्यों नहीं है? राहुल गांधी है तो सोनिया गांधी, प्रियंका, लेकिन गहलोत ने उनको सबको चैलेंज कर चुका है 2 सितंबर को। क्या गहलोत को तो आने नहीं देंगे, सरकार ही नहीं आएगी। जादूगर तो है, कहीं का जादूगर है वो, है नीली छतरी वाला जादूगर। चुनाव में चुनाव आ रहे हैं, जादूगर कौन है वो पता चल जाएगा, इसके नाम से कौन वोट देगा आने वाले चुनाव में। हम गाँव में नहीं घुसने देंगे इन कांग्रेस को। और बलात्कार है, अपराध है, हिंसा है, और जो कोई बोलता है उसको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। राजस्थान में कितने बलात्कार हो रहे गहलोत की सरकार में 11 सीट आएगी, 11 सीट आपके सफाया है गहलोत का। सरकार में हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। राजस्थान में इस वक्त मौजूद है, राजस्थान की सियासत में जो इस समय हलचल मची हुई है उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ राजस्थान में, अभी जो सियासी घमासान मचा हुआ है, पायलट अनशन पे बैठ चुके हैं अपनी सरकार के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन पार्टी कह रही है कि ये पार्टी के विरोध में चले गए। केंद्रीय आला कमान का एक लेटर जारी हुआ, उसमें कहा कि अगर पायलट अनशन पे बैठते हैं तो ये पार्टी विरोध में माना जाएगा। तो इसी पे बातचीत करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? रामजीलाल जाट, मैं मोकमपुरा से सरपंच हूँ, पंचायत समिति मौजूदाबाद सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ। पायलट जी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल पायलट जी का समर्थन कर रहे हैं, को लेकर समर्थन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो जांचू के खिलाफ पायलट साहब अनशन पे बैठे हैं, हम लोग भी भूखे ही आए हैं और वो 6 घंटे अनशन कर रहे हैं, हम 12 घंटे करेंगे। आप बताइए क्या नाम हो गया? नाम क्या हो गया? कमलेश मीणा। मीणा जी ये बताइए, करौली, ये बताइए पायलट जी का आप समर्थन कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है तो विरोध में गए हैं पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी आलाकमान का कोई विरोध नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, आपको भी बताया पत्रकार जी कि 45,000 करोड़ का जो इन्होंने मिल बांट के दोनों ने जो भ्रष्टाचार किया था उसका खुलासा करना ही उसके लिए आए हैं, ना कि सरकार के विरोध में बैठे। नहीं, सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार के विरोध कैसे बताओ? कह रहे इनको पद नहीं दिया गया इसलिए। ये कोई बात नहीं है, पद की कोई बात नहीं है, पद तो 5 साल से नहीं दिया था, 4 साल हो गई, कभी किया क्या? सिर्फ वजह यह है जो 45,000 करोड़ का जो घोटाला किया है, जनता के साथ अन्याय किया है, उसका खुलासा चाहिए। आज कर दे सरकार, आलाकमान कर दे, ये कर दे, कोई भी चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम साथ हैं और पूरी पब्लिक साथ है और साथ और जायज साथ है। पायलट जी के साथ? हाँ, पायलट जी के साथ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो भ्रष्टाचारी गहलोत साहब हो या वसुंधरा जी हो या कोई भी हो। आज का समय क्या लग रहा है राजस्थान में, गहलोत जी का क्या लगता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं या नहीं? नहीं, भ्रष्टाचार अगर देखो, कोई भी भ्रष्टाचार का अगर साथ देता है तो उसको भ्रष्टाचारी ही कहते हैं। भाई आप अवाल गलत आदमी को साथ दोगे तो आप भी गलत हो। अच्छा ये बताइए, एक सवाल ये बनता है, गहलोत जी सीधे कहते हैं कि पायलट जो है वो गद्दार है, वो सीधे कहते हैं? देखो वो गहलोत साहब का ओछा सवाल है, ओछा शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। पायलट साहब ने कई बार कहा है कि जो खुद को अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे से भी बोलना नहीं चाहिए। सचिन पायलट संघर्ष करो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट एक एकमात्र ऐसे नेता जो 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवा सकते हैं। रंधावा जी बयान दे रहे हैं कि पायलट साहब का आंकड़ा गलत है, क्या रंधावा जी का वोट लगता है यहाँ पर? गहलोत साहब राजस्थान में 19 नहीं 100 जिले बना दें, लेकिन फिर भी वोट सचिन पायलट के चेहरे पर मिलेंगे। सचिन पायलट एक जाति विशेष के नेता नहीं है, गुजरों समाज के नेता। अरे कौन कह रहा गुजरों के नेता है? कौन कह रहा गुजरों के नेता है? आप कुछ दिनों पहले उन्होंने 5 सभाएं की थी, नागौर में कौन से गुजर बसते हैं? वीर तेजा जी की स्थली पर्वत सर के अंदर देखने वालों का हुजम उठ गया था। पश्चिमी राजस्थान से अशोक गहलोत आते हैं, उसी जिले पाली के अंदर देखने वालों का हुजम उठ गया था। राजस्थान के वो किसी भी हिस्से में चले जाएं, सचिन पायलट किसी प्रकार की लोकप्रियता है? एक नाम गहलोत जी का आता है, कह रहे जादूगर है, जादू चला देंगे। जादू तो नीली छतरी वाला है और लोकतंत्र के अंदर जादू चलता है, जनता का हाथ की सफाई दिखाते हैं 98 के अंदर।
98 के अंदर मदेना जी के चेहरे पर आ गए, फिर सीपी जोशी जी के चेहरे पर आ गए और फिर सचिन पायलट जी के चेहरे पर आ गए। आज तक कुर्सी हड़पने का काम किया, कुर्सी बढ़ाने का काम नहीं। कांग्रेस में आला कमान नाम में कोई चीज नहीं रह गई है। क्यों नहीं है? राहुल गांधी है तो सोनिया गांधी, प्रियंका। लेकिन गहलोत ने उनको सबको चैलेंज कर चुका है 2 सितंबर को उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में अपने विधायकों को नहीं बुला करके, वो विरोध था, ये अनशन है। और गहलोत ने विगत 4.5 साल में सिर्फ राजस्थान में तानाशाही की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया उसने, अपने लोगों का भला किया है। और जो लोग उसकी बात को उठाते हैं, विरोध करते हैं, उनको गद्दार बोलता है, जबकि कांग्रेस पार्टी का गद्दार से बड़ा वो है। 2 सितंबर जो परिवेशक आए थे उस मीटिंग में, उसने अपने विधायकों को नहीं आने दिया था, वो है विरोध, वो है गद्दारी। उस पर आज तक आला कमान ने कुछ नहीं कहा। और एक पवन खेड़ा नाम के व्यक्ति ने कहा है कि एक और जहाँ चल रही है राजस्थान में तो गहलोत नाम का सफाया है, सफाया है। 21 से कम गहलोत के नेतृत्व में 0, और पायलट के साथ हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बीजेपी को भी टक्कर देंगे। अगर सचिन पायलट को सीएम बनाया जाता है तो अशोक गहलोत सुंदरा मिले हुए हैं, बहन भाई है ये, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। क्या गहलोत को तो आने नहीं देंगे, सरकार ही नहीं आएगी। कहीं का जादूगर है वो, है नीली छतरी वाला जादूगर। चुनाव में चुनाव आ रहे हैं, जादूगर कौन है वो पता चल जाएगा, जादूगरी हम निकाल देंगे इनकी। ये जादूगर खुद के नाम पे कभी जीत के आया क्या? उनके बेटे को नहीं जीता पाया, खुद की सीट हरा चुका है ये, इसके नाम से कौन वोट देगा आने वाले चुनाव में? हम गांव में नहीं घुसने देंगे इन कांग्रेस को। हाँ, अगर पायलट साहब को ये मान सम्मान नहीं देते हैं तो कांग्रेस गहलोत के नाम पे चुनाव लड़ती है तो हम हमारे गांव में नहीं आने देंगे, 0%, 1 सीट नहीं आने देंगे। कांग्रेसियों को भी नहीं घुसने? बिल्कुल, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का सफाया है। और गहलोत ने एक एक जिले को, एक मिनट, गहलोत ने एक एक जिलों को ठेकेदारों को दे रखा है, जैसे करौली की पुलिस है एक ठेकेदारों को संभाला रखी है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। गहलोत के राज में दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और जब कोई मुद्दा उठाता है तो गद्दार बोला जाता है। यानी कि कांग्रेस में आला कमान कोई चीज नहीं है, उसको तो जेब में रख रखा है गहलोत ने। की सरकार बढ़िया नहीं चल रही, नहीं प्रशासन बिल्कुल ढीला, तानाशाही है, नौकरशाही है, दलाली है, और भ्रष्टाचार है, और बलात्कार है, अपराध है, हिंसा है, और जो कोई बोलता है उसको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। राजस्थान में कितने बलात्कार हो रहे हैं? राजस्थान में कितने बलात्कार हो रहे हैं? गहलोत की सरकार में 11 सीट आएगी, 11 सीट आपके सफाया है, सफाया है गहलोत का, सफाया। अगर पायलट साहब को निलाया तो कांग्रेस का सफाया है खुले में। ये सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था विधानसभा का, पूरी सरकार बन गई, और गहलोत के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, 0 नहीं 00 हो गया। वो जादूगर है, जादू घुमा, जादूगर है, तभी तो 00 हुई है। अगर जादूगर नहीं होते तो पूरी 25 सीटें आती। आप बताइए क्या राजस्थान में यही हो रहा है? हाँ ये हो रहा, कितना हो रहा है राजस्थान में गहलोत की सरकार में, और 11 सीट आएगी 2023 में गहलोत की। ये बताइए पायलट को लेकर कह रहे हैं कि गद्दार है पायलट, कौन कह रहा है? गहलोत आरोप लगाए तो वो जनता जवाब देगी नहीं 23 तारीख को, 23 को। ये गद्दार वाली बात है ना, खुले मंच से बोला करो, लोग जूते नहीं मार देना तो राजस्थान में नाम बदल देना राजस्थान वाले के जूते। राजस्थान जो गद्दार बोलेंगे पायलट साहब को जूते पड़ेंगे, जूते। जो सचिन पायलट साहब को गद्दार निकम्मा बोलेगा जूता पड़ेगा, जूता। उसके साथ पूरा राजस्थान नहीं हिंदुस्तान खड़ा है। 2023 का चुनाव कैसा रहने वाला है, आपको क्या लगता है क्या माहौल नजर आएगा? अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया तो 21 की जगह 11 सीटें भी नहीं आएगी। जनता से बड़ा कोई जादूगर नहीं है, और जनता पायलट साहब के साथ है। राजस्थान का संपूर्ण युवा वर्ग पायलट साहब के पास है, जादूगर के साथ है। जादूगर के पास कुछ नहीं है, जादूगर के पास है तो रुको, जादूगर के पास। जनता, राजस्थान की जनता सबसे बड़ी जादूगर है, और वो पायलट साहब के पास है, जिसके साथ जनता है वही सत्ता में रहने का अधिकारी। गहलोत जी कहते हैं
कि मेरे पास राहुल गांधी है, मेरे पास प्रियंका गांधी है, मेरे पास सोनिया गांधी है। उनके पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है तो उन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं जिताया। हमारे पास पायलट साहब है जो 21 सीट से सरकार को पूर्ण बहुमत से राजस्थान में लाए हैं और आगे भी लाएंगे। हम पार्टी विशेष किसी से हम वो नहीं रखते हैं। हमारे लीडर हमारे आदर्श पायलट साहब है और हम पायलट साहब के साथ है। हर रोज में पायलट साहब बार बार ये कह रहे हो जादूगर है तो थोड़ी जादूगरी वसुंधरा जी की जांच में भी दिखा दो। क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई? आप आपस में मिले हुए हो, थोड़ी जादूगरी वहाँ भी दिखाओ। क्यों मिले हुए हो? एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत। जादूगर चुनाव में चलते नहीं चलेगा, अब बताएंगे ना। हम हमने पायलट के नाम पे वोट दिया। अगर हाईकमान पहले अगर गहलोत को आगे किया जाता 2018 के चुनाव में तो हम 10 सीटें भी नहीं आने देते।